प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि भीतर की तस्वीरें हैं काल भैरव की, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन की, पूजा अर्चना की, आरती यहां पर की गई है। काल भैरव की ये तस्वीरें हैं, वाराणसी के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव, और उसके भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब वो तस्वीरें भी सामने आई क्योंकि पूजा अर्चना का कार्यक्रम हो चुका है और यहाँ से रवाना हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनका स्वागत किया, पटका पहनाकर काल भैरव में पहुंचे, और उसके बाद यहीं पर ये देखिए पूजा अर्चना। काल भैरव के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने काल भैरव के दर्शन पूजन किए, यहां पर पूरा एक राउंड दिया, और यहां से हालांकि रवाना हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रवाना होकर अब वो कलेक्ट्रेट में कुछ देर बाद पहुंचेंगे, वहां की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी विशाल के जरिए हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब उन्होंने काल भैरव में दर्शन पूजन किया, यानी कि आशीर्वाद दिया, और जाहिर तौर पर जीत का आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री यहां पर से काल भैरव से मांगा होगा। और उसके बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो पहुंचे ही थे क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले यहां पर पहुंचे हुए थे और उनका इंतजार कर रहे थे, तो साथ में ही यहां पर पूजन अर्चन हुआ है, उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बनी हुई। विशाल का एक बार फिर से हम रुक लेते हैं। विशाल, अब चूंकि हम लगातार अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां माहौल किस तरीके का है, तस्वीरों के माध्यम से जरा एक बार दिखाने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके की हलचल वहां पर आप देखने को मिल रही है। इसके आगे कोई कैमरा नहीं है, इसके आगे कोई कैमरा नहीं। विशाल, आवाज मिल रही है आपको हमारी? और देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं, बस अब अगले 5 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तीसरी बार 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री यहां पर आए थे, उसके बाद 2019 में उन्होंने नामांकन दाखिल किया, जीता। 2024 रिकॉर्ड मतों से जीत के लिए जो है लगातार बीजेपी यहां पर दमखम लगा रही है, और इसीलिए ये कह सकते हैं कल का जो रोड शो था वो एक पूर्वांचल के लिए सियासी मैसेज था। इसके साथ साथ आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी सुबह से लगातार प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम है, और अब उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री यहां पर नामांकन जो है दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि लगातार सभी लोग जो है वो यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहां पर तमाम जो जनता है वो इंतजार कर रही है। इसके साथ साथ तमाम जो अलग अलग दलों के जो नेता हैं, जो सहयोगी दल हैं, जो एनडीए के जो घटक दल हैं, वो भी वहां पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अंदर मौजूद हैं, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, सभी जो घटक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं, और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हुए हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलर्ट हो चुका है, बस कुछ ही देर का और इंतजार है। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहां पर पहुंच जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं, और बस अब कुछ कह सकते हैं कुछ ही मिनटों की बात है, क्योंकि जो काफिला है वो जो है काल भैरव मंदिर से निकल चुका था, वहां से यहां तक आने में करीब 6 से 7 मिनट का वक्त लगता है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि बस अब इंतजार किया जा रहा है, काफिला भी आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं, कचहरी में पहुंच गए हैं, अब चंद सेकंड बाद ही वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जहां पर उनके साथ 4 प्रस्तावक भी होंगे, और साथ ही एनडीए घटक दल के 26 बड़े नेता उस समय मौजूद हैं। तो ये उस शुभ घड़ी जो बीजेपी के नेताओं ने तय किया।